बीती रात अजीजगंज में बाढ़ की दस्तक, घरों में पानी घुसा। जिस समय लोग सो रहे थे उस समय पानी घुसा, हड़कंप मच गया। छोटे छोटे बच्चे परिवार के लोग लेकर ऊपर छत पे चले गए, लेकिन इस समय 90% अजीजगंज मोहल्ला पूरा डूबा हुआ है। यहां तक रोड पर भी पानी आ गया, लेकिन क्षेत्रवासियों में बहुत गुस्सा है। सबसे ज्यादा अगर गुस्सा है तो जिला प्रशासन को लेकर। उनका यह कहना था, कोई चेतावनी नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई देखने भी नहीं आया। रात से भूखे पड़े, कोई देखने नहीं आया। और उससे भी ज्यादा गुस्सा है सारे नेताओं के ऊपर। उनका यह कहना है कि सारे नेता मतलबी हैं, क्षेत्रवासियों में है गुस्सा। हम आपको ज्यादा तो नहीं बताएंगे, लेकिन दिखाएंगे ज्यादा, क्योंकि ज्यादा बताने में वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर दिक्कत आएगी। इसलिए हम आपको बताएंगे कम और दिखाएंगे ज्यादा। आप खुद ही देखिए पूरा नजारा। कैसी आज साहब है, मगरमच्छ है, दुनिया चीज है, मगरमच्छ तो ये कॉलोनी में है, गरली मोड़ सामने, मोजमपुर के सामने। देखो खाना नहीं है, पानी नहीं है, प्रसाद खाने को क्या दूँ। भैया भैया एक मिनट, भैया इधर आना, हेलो इधर आए। अरे बात सुन, हाँ ये बताओ कितनी दूर तक पानी है ये? ये पानी 1 किलोमीटर तक होगा। अच्छा, और कहा इतना पानी कितना ही है, गले गले तक? हाँ इतना, इससे ज्यादा भी है कहीं कहीं। पीने के लिए तो पानी नहीं मिल रहा ना, पानी डाला। ये बताओ ये गली कहाँ गई है? ये गली टंकी के पानी के लिए लगा के, पानी टंकी लगा के सीधे खराब के पास। जो कंडीशन ये गले गले तक पानी हम देख रहे हैं, तो इसी कंडीशन पे क्या पूरा दिख रहा है? पूरा 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 कंजड़ों तक यहाँ लगा कर वृंदावन में, जैसी स्थिति है वृंदावन में, हमारे पास 2-3 फोन आ चुके हैं, बेचारे सिर्फ मंजिल पे हैं, निकलना चाहे थे, निकालने वाला कोई नहीं है। वहाँ लोगों घरों में 6-6 फीट पानी भरा हुआ है। हमारा तो हेड बेड सब कपड़े वपड़े सब है, सब कोई सुनने वाला सब मटेरियल। अब पूरी रात डीएम खड़ा भी रहा था पिछली बार 2008 में, अब की तो डीएम ने सिर्फ एक राउंड मारा। डीएम पागल हो कलेक्टर, इतनी पागल हो कलेक्टर, नगर आयुक्त नहीं जाने दी। ये बताओ ये जो अपर नगर आयुक्त आए हैं, ये रात आए थे या नहीं? नहीं कोई नहीं आया, एक रात आए थे साहब। वो कह रहे थे कि हम बंदा देखने वाले हैं, तो गाड़ी इतनी बुरी चला रहे थे, जो लोग सो रहे थे यहाँ उनको पानी आ रहा था। लेटे हुए थे ढेले पे, दो बार निकले
दो बार इतनी बुरी तरीके से निकाली कार बहुत तेज, कह दिया तो कह रहे कि मेरी कार बंद हो जाएगी। अगर कार के अंदर डर तो कार लेके क्यों आते हैं? यानी हम लोगों को रोड किनारे भी गुना गुना है। दूध मिला? अरे दूध तो लेन आए हैं भैया, उधर से गए दूध के चक्कर में आए, क्या करें? नहीं मिला, नहीं मिला यार। अच्छा हाँ, पानी जो पीने वाला है वो मिले आपको? नहीं मिल रहा है, कल से कहीं नहीं मिल रहा है, लाइट ही नहीं आ रही, पानी आए कहाँ से? चलाना वाला घर में पानी हो गया, नहीं नल थे वो डूब गए सारे, जो नल थे वो सारे डूब गए पानी के लेवल ज्यादा होने से, पानी भी नहीं मिला कल से। कल से पानी नहीं, हम लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं आए, जो हमने कहा टैंकर यहाँ ला के खड़ा कर दो, कहीं सूखे में टैंकर ला के खड़ा कर दो, हम लोग अपने पीने के लिए पानी का इंतजाम कर लेंगे, वहाँ से कोई सुन ही नहीं रहा, पानी यहाँ ला के दे दो कोई मिले पीने के लिए। ये बताओ पानी की ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं, तो कल सुबह में हम आए थे तो इतनी कंडीशन नहीं थी, ये कंडीशन इतनी क्या बजे हुई? ये कंडीशन हो गए लगभग 12-1 बजे के बाद। 12-1 बजे तो निकल, प्रशासन ने कोई सूचना या चेतावनी, कोई लाउड स्पीकर, कोई अलाउंस, कुछ नहीं? कुछ नहीं। कितने परिवार ऐसे जो घरों में कैद हैं इस समय? पूरा मोहल्ला ही कैद है। लेकिन जो किसी पार्टी का नेता नहीं आया वोट मांगने वगैरह, पहले घरों का पानी तालाब में जाता था, पाँच बल्कि 7 तालाब होंगे, हर 20-25-50-100 मकानों का पानी तालाब में जाता था, जब तालाब में जाता था तो दिक्कत ही नहीं थी, अब जी जा रहा है नाले में सीधा नदी में, नदी से पानी वापसी आ गया, अजीगंज दुबारे के नाला बनवाए। 2008 जो बाढ़ आई थी उससे ज़्यादा पानी है, सब तो अपना पैसा निकाल लिया हम लोग, हमारी गली में भाई साहब कभी पानी नहीं होता था, कभी पानी नहीं आया हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद। अच्छा एक बात ही बताइए भाई के चुनाव में तो हर नेता पहुंचता है दर दर पे, लेकिन इस समय पक्ष या विपक्ष? कोई ना पक्ष ना विपक्ष, ना असली खन्ना नकली खन्ना, कोई नहीं, कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया और ना देखने आया कहाँ मर रहे हो। वैसे तो बड़े बड़े दावे दावे हैं बस, यहाँ भाई जिनके हाथ में अजीगंज की बागडोर सौंप दी गई है उन्हें दिखे हमारे भरेंगे वोट। एक मिनट इधर इधर देखो हमारी तरफ, ये बताओ लाइट की क्या पोजीशन है? लाइट सर कल से आ नहीं रही है, कतई आ नहीं रही है, नहीं कतई बंद कर दी सुबह से, लाइट वाले बहुत परेशानी हो रही है और ज्यादा। और इस पोजीशन में अगर लाइट आ भी जाती है तो खतरे का घंटी है, खतरे घंटी भी है इसी वजह। एक बात ये बताइए, ये जो पानी घरों में बहा है, यानी कितने परिवार हमने देखा बेचारे फंसे हुए हैं, तो कोई किसी प्रकार की कोई चेतावनी या कोई वार्निंग या कोई सूचना दी गई नहीं? किसी ने कोई सूचना नहीं दी, ना वार्निंग दी, ना कोई मदद की, मदद मदद नाम के कोई यहाँ पे पार्षद है कमल गुप्ता जिसने कहा था इलेक्शन में हम लोग घरों घरों जाएंगे और लोगों की मदद करेंगे, कमल गुप्ता और रघुनाथ गुप्ता दोनों मतलब देखने भी नहीं आए, देखने नहीं आ रहे थे ना।
ना कोई सांसद, ना कोई प्रशासन, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, कोई नहीं, कोई आई आया ही यहाँ पे बाढ़ का मुख्य कारण तालाबों का पटना तालाबे जो पट गए हैं, घरों का पानी तालाबों में जाता था, अब तालाबों की जगह उन्हें बना दिया नाला बैग पानी मार के घरों में घुस रहा। कितने परिवार ऐसे होंगे ये बताइए जो हर गली में पानी है गली में, तो परिवार वाले सब फंसे हुए होंगे। अपनी सेकंड मंजिल वाला वो नहीं रह गया, पानी नहीं, दो आधे लोग तो रात में चले गए अभी हुए हैं, आधे लोग तो रात भर दो महीने को चल बहुत दिक्कत है। आप साइड पे आना कहते हैं, कहते दीवार से आना, पहले लगा दीवार से पहले लगा ऊपर ही उठा अब आया हमारे साथ देखा ये सामान इतना इसमें कुछ डाल दिया, ये पड़ा हुआ सारा बैरिया जो है अंदर पड़ा हुआ था। ये गृहस्थी सब पानी में डूब रही है, सब पानी में डूब रही। परिवार के लोगों को आपने कहाँ, परिवार के लोगों को कहाँ भेज दिया? परिवार लोग सामने खड़े हुए बैठे रोड किनारे हुए, रात में चरपैया बैठे रहे बताते रहे कि पानी ज़्यादा ना जाए, मतलब कोई चेतावनी कोई सूचना जाए सोचना नहीं सर, रात में कोई देखने नहीं आ जाता, लाट के बिस्तर बैठे कोई जनरेटर लगवा दिए वो भी बिस्तर नहीं किया, जनरेटर लगवाए आने जाने का आदमी निकलता बैठता है, अंधेरे में पानी कितना है कि नहीं डूब जाए का हो कोई नहीं देख रहा था। नाली है देखिए हम ये चलिए अब ऊपर भगवान चल और बढ़ाऊ इसके बाद ऊपर आ जाऊँ बराबर पानी लहर जो कट गई है ना कौन सी वाली।